गुड आफ्टरनून. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट. चैप्टर 5 में हम लोग का दो यूनिट है, कंपाउंड इंटरेस्ट एक एनुइटी, बट हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं. तो कंपाउंड इंटरेस्ट समझाने से पहले मैं आपको इसका हल्का सा बैकग्राउंड बता दूं. इंटरेस्ट होता क्या है? इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड और द फी दैट इज चार्ज बाय द बोरोअर टू द लेंडर फॉर यूजिंग द राइट ऑफ मनी. तुम मेरा पैसा यूज़ कर रहे हो, मैं तुमको अपना पैसा दिया हूँ यूज़ करने के लिए, ठीक है. तो मेरे को पहला बात तो राइट किसका था? राइट टू यूज़ मनी मेरा था. राइट टू यूज़ मनी किसका था? मेरा था. उसको तुम यूज़ कर रहे हो. दूसरा बात, मेरे को डर है, मेरे मन में एक डर है अगर आप पैसा लेके पैसा वापस नहीं दिए तो, ठीक है. तो ये जो राइट टू यूज़ मनी वाला बात, और देखिए आज मेरा पैसा है, मैं वो आपको ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ. तो आज उस पैसे से मैं जो प्रॉपर्टी खरीद सकता था या मैं जो सामान खरीद सकता था, इन्फ्लेशन का ज़माना है, महंगाई का ज़माना है, दाम बढ़े जा रहा है, तो कल मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा. और दूसरा बात, अगर यही रुपया मैं तुमको नहीं दे करके बैंक में जमा कर दूँ तो मेरा इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो यही सारे फैक्टर्स को मिला करके इंटरेस्ट वर्ड एक चीज़ आया है, ठीक है. तो लिखो, इंटरेस्ट इज़ द फी चार्ज बाय द लेंडर फ्रॉम द बोरोअर. इंटरेस्ट इज द फी चार्ज बाय द लेंडर फ्रॉम द बोरोअर इन रेस्पेक्ट ऑफ राइट टू यूज मनी, अनसर्टेनिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है. Amount lent, arrow दे करके principal, bracket में P, amount paid back along with interest is called amount. Therefore, A equals to P plus I. तो इंटरेस्ट ने दो टाइप का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है. तो पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट का मतलब. सिंपल इंटरेस्ट लिखो क्या होता है. इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट. Interest calculated on the principal amount only. It remains constant. Unless and until factors of interest, that is principal and rate, are changed. It remains constant unless and until factors of interest, that is principal and rate, are क्या लिखा है? Changed. ठीक है, simple interest का formula लिख लो. PRT by 100, principal into rate into time by 100. सिंपल इंटरेस्ट का मतलब लिख लो PRT by 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100. और अमाउंट क्या होता है? P(1+RT/100). अमाउंट का फॉर्मूला है P(1+RT/100). ठीक है, R/100 को वी कैन टर्म एज आई,
आर बाय 100 को वी कैन टर्म इट एज आई, ठीक है, आर बाय 100 को वी कैन टर्म इट एज आई, आर का मतलब लिख लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रुपीज 100 पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन रुपीज 100, आर का मतलब ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रुपीज पर एनम ऑन रुपीज 100, आर इज इन टर्म्स ऑफ 100 और आई का मतलब लिखो, और आई का मतलब लिखो, आई का मतलब लिखो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन रुपी 1, ऑन रुपी 1, एक रुपये पे एक साल का क्या ब्याज होता है, इंटरेस्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ब्याज, ब्याज नहीं बोल रहा हूँ ब्याज, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्लियर हो गया आपको, चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब लिखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब लिखिए, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट अक्रूड, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब लिखिए, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बोथ ऑन द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट अक्रूड। वाई द वर्ड इंटरेस्ट अक्रूड, दैट इज ड्यू बट नॉट पेड, दैट इज ड्यू बट नॉट पेड, दैट इज ड्यू बट नॉट पेड। हम लोग क्या होता है उसको एक्यूमुलेट होते होने देते हैं, उसको एक्यूमुलेट होने देते हैं। एक एग्जाम्पल लूँ मैं आपके सामने, से फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड आप स्वाइप कर लिए, ठीक है, और आपने पैसा नहीं दिया पूरा, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट लगता है, हाँ, फिर आपने पैसा नहीं दिया तो फिर से उसके ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो जब तक मैं पेमेंट नहीं करूँगा, दैट इंटरेस्ट पोर्शन एट द एंड ऑफ द ईयर विल बिकम वॉट, प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एसेंस यही है कि इंटरेस्ट जो भी अक्रू हो रहा है एट द एंड ऑफ वन पीरियड इज एडेड टू द प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ द अदर पीरियड। तो ये लाइन लिखो, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ वन पीरियड, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ वन पीरियड, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ वन पीरियड इज एडेड बैक टू द प्रिंसिपल, इज एडेड बैक टू द प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ अनदर पीरियड, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ वन पीरियड इज एडेड बैक, इज एडेड बैक टू द प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, 100 रुपया मैंने दिया था स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो फर्स्ट ईयर के एंड में इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट हो रहा है, 100 रुपया पे, तो 100 रुपया का 10% कितना हो गया, 10 रुपया। जब नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, मैं 100 रुपये पे नहीं निकाल रहा हूँ, किस पे निकाल रहा हूँ, 110 पे, फिर उसमें ऐड हो जा रहा है। जब नेक्स्ट ईयर का निकाल रहा हूँ मैं 110 पे नहीं निकाल रहा हूँ, 121 पे निकाल रहा हूँ। दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट गेट्स एडेड टू द प्रिंसिपल। कॉपी दिस, ठीक है, कॉपी किया आप लोग ने, तो आप देख सकते हैं अमाउंट एट द एंड ऑफ एनथ ईयर बिकम्स द प्रिंसिपल ऑफ द नेक्स्ट ईयर,
और प्रिंसिपल ऑफ द नेक्स्ट ईयर इज द अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर. तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को हेल्प करेगा सम्स करने में. सपोज करो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर पता है, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर पता है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ द थर्ड ईयर है. प्रिंसिपल ऑफ द थर्ड ईयर को सब्ट्रैक्ट करेंगे अमाउंट ऑफ द थर्ड ईयर से, तो इंटरेस्ट फॉर वन ईयर आ जाएगा. और इंटरेस्ट फॉर वन ईयर आ जाएगा उसको डिवाइड कर देंगे प्रिंसिपल से, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा. तो पहले पॉइंट नंबर टू लिख लो, अमाउंट एट द एंड ऑफ nth ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ nth ईयर इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ऑफ n प्लस वनth ईयर. अमाउंट एट द एंड ऑफ nth ईयर इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ऑफ n प्लस वनth ईयर. ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल में लिखो, इफ ए टू एंड ए थ्री इज नोन, इफ ए टू एंड ए थ्री इज नोन, हाउ टू फाइंड इंटरेस्ट रेट. इफ ए टू एंड ए थ्री इज नोन, हाउ टू फाइंड इंटरेस्ट रेट. ठीक है, स्टेप वन ए टू इक्वल्स टू पी थ्री. है ना. स्टेप टू, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल्स टू ए थ्री माइनस पी थ्री. ठीक है, स्टेप थ्री, आर इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर बाई पी थ्री इंटू हंड्रेड. इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर बाई पी थ्री इंटू हंड्रेड, ऐसा सम्स है. एक तो वैल्यू लेकर के, बट मैं बिना वैल्यू के समझाया आपको इस, ये जो अपने अभी लिखे हैं अमाउंट एट द एंड ऑफ nth ईयर अपने को कैसे हेल्प कर सकता है एग्जाम में. क्लियर हुआ आपको ये चीज, कि जो भी अमाउंट रहेगा nth ईयर का वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट पे फोकस करिए. कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल इन अ ईयर. इन अ ईयर मतलब सिंगल ईयर. The word compounding refers to number of times interest is added to the principal in a year. The word compounding refers to number of times interest is added to the principal in a year. The word compounding refers to number of times interest is added to the principal in a year. ठीक है, तो एनुअली बोलेगा तो एक बार, हाफ ईयरली बोलेगा तो दो बार, क्वार्टरली बोलेगा तो चार बार, मंथली बोलेगा तो बारह बार. ठीक है, कॉपी कर लीजिए. एनुअली बोलेगा तो एक बार, हाफ ईयरली बोलेगा तो चार दो बार. हाफ ईयरली को सेमी एनुअली भी बोलते हैं. हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली. एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली. हाफ ईयरली को क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी एनुअली भी बोलते हैं, और क्वार्टरली, मंथली. आप देख सकते हैं जब फॉर्मूला सिखाएंगे तब कंफ्यूज मत होना. एनुअली में जहां पर आई है, एनुअली में
जहां पर आई है हाफ ईयरली रहेगा तो अपने क्या यूज करने वाले हैं, आई बाई टू, और एन की जगह क्या यूज करेंगे, टू एन। एक साल में कितना हाफ ईयर होता है, दो हाफ ईयर होता है ना, तो 1.5 साल में कितना हाफ ईयर होगा, तीन। कैसे निकाला, 1.5 इंटू टू, वैसे क्वार्टरली में 4 और मंथली में 12। तो मैं आपको सिर्फ अगर एनुअली का फॉर्मूला सिखा दूं तो आप ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हो, हाफ ईयरली क्वार्टरली मंथली का फॉर्मूला निकाल लोगे, है ना। मैं अगर आपको एनुअली का फॉर्मूला सिखा दूं तो आप ऑटोमेटिकली क्या कर लोगे, हाफ ईयरली क्वार्टरली और मंथली का आंसर निकाल लोगे। क्लियर है ना ये सब चीज आपको, हाँ पक्का। हाँ तो अपने एनुअली में क्या यूज कर रहे हैं, आई यूज कर रहे हैं, आई या आर बाई 100, ठीक है। तो हाफ ईयरली में क्या यूज करेंगे, आर बाई 200, आर बाई 400, आर बाई 1200। तो जहां आपने आई बाई 2 लिखा है ना, ब्रैकेट में लिख लो आर बाई 200, इसको आर बाई 200 भी बोलते हैं, इसको आर बाई 200 भी बोलते हैं, इसको आर बाई 200, इसको आर बाई 400 और इसको आर बाई 1200। क्लियर या यहां तक कोई मुसीबत? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है और 4 साल बोला एनुअली में, तो हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, 5%। कैसे, आधा कर दिया उसको हम लोग ने, और नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो गया, डबल हो गया। नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कितना हो गया, 8 हो गया ना, क्योंकि 4 साल में कितना हाफ ईयर होता है, 4 साल में कितना हाफ ईयर होता है, हाँ 8 होता है ना। हाँ क्वार्टरली में डिवाइड बाई 4 करो, और 4 साल में कितना कितना क्वार्टर होता है, 4 × 4 = 16। तो मेरे को मल्टीप्लाइंग फैक्टर सिखाना है आपको कि रेट को डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, रेट को क्या करते हैं डिवाइड, और नंबर ऑफ ईयर्स को। रेट को डिवाइड और नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई। तो एनुअली में कंपाउंडिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 1, सेमी एनुअली में 2, क्वार्टरली में 4 और मंथली में 12, ठीक है। एनुअली में, सेमी एनुअली में, क्वार्टरली में और मंथली में 12। क्लियर, ठीक है। एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, ठीक है। सर डेली होता तो 365, डेली होगा तो 365, लीप ईयर बोलेगा तो 366, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल देख लीजिए आप अच्छे से, कुछ भी इशू है तो पूछिए हमसे, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल टू बी डन इन द कॉपी। आप खाली पहला वाला कॉलम कॉपी कर लीजिए और बाकी आप खुद से बनाइए। आप खाली पहला वाला कॉलम खुद से करेंगे, दिया हुआ रहेगा आपको, बाकी आपको खुद से करना है। कंप्लीट करिए फटाफट। हाफ ईयरली निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 2 और इन नंबर ऑफ ईयर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2।
यहां पे जब रेट लिख रहे हो ना आप आर लिख लो, या आप आर के टर्म्स में करो, अगर आई होता तो डेसिमल में आता 0.10, 0.16, 0.18, बिकॉज आई का मतलब क्या होता है आर बाई 100। देख लीजिए सही है कि गलत। यहां पर मैंने आई, ये भी आर ही यूज किया है, ये सब जगह आर यूज किया है, ध्यान दीजिएगा। आई निकालने के लिए डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आप इस फॉर्मूला आप देख सकते हैं, अगर आप सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे ऑटोमेटिकली आपको मैंने बाकी फॉर्मूला भी सिखा दिया है। सिर्फ अगर एनवली का फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो बाकी सब में आई की जगह आई बाई 2 आ रहा है और एन की जगह 2n। फॉर्मूला था कंप्लीट कर लीजिए। हाँ ये मंथली होगा, ये मंथली होगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, पी ब्रैकेट में 1 + i होल टू द पावर एन। बोलो क्या है, पी ब्रैकेट में 1 + i होल टू द पावर एन, या अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो 1 + i होल टू द पावर एन इंटू पी। वरना आप लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में दिक्कत करते हैं, ठीक है। ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो भाई हमें बस बहुत सिंपल सा अच्छा तरीका याद करने का, ये इसको क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू पी लिखेंगे। हाँ ए इक्वल्स टू पी लिखेंगे, ठीक है। मेरा बड़ा भाई का नाम क्या है, हाँ ए पी, ठीक है, ए पी, ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 + i होल टू द पावर एन। वन मतलब समझ जाइए, ठीक है, आई इंटेलिजेंट, ठीक है, और होल टू द पावर क्या है एन। चलिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला में क्या है, जो 1 + i टू द पावर एन है उसमें -1 करके फिर प्रिंसिपल से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद नहीं भी आए एग्जाम में तो आप क्या कर सकते हैं, अमाउंट निकाल लीजिए और प्रिंसिपल से माइनस कर दीजिए, हो गया। क्लियर है, आप हाँ बोलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं उसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बनता है, ठीक है, वरना वो दिमाग में स्टिक नहीं करेगा आपको। तो देखो एक ही क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया से करेंगे। प्रिंसिपल क्या है, 10,000, रेट कितना दिया हुआ है 10% पर एनम, और एन क्या दिया हुआ है 2 ईयर्स। इस क्वेश्चन से क्या पूछ सकता है मेरे को,
या तो अमाउंट पूछेगा या तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा, या तो अमाउंट पूछेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा, ये मैं एनुअली बता रहा हूँ आपको। अमाउंट पूछेगा तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस i टू द पावर n, यही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ दिया तो प्रिंसिपल 1 प्लस i टू द पावर n माइनस 1, करेक्ट है। दुनिया के पास भी ये टेक्निक है, तो हमारे पास अलग क्या है, हमारे पास अलग क्या है, उस अलग का नाम क्या है, हथियार, वह क्या है, यंत्र, उस यंत्र का नाम क्या है, कैलकुलेटर, ठीक है। अब आपको यहाँ सीखना है कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। पहले आप यहाँ तक पूरा अच्छे से बना लीजिए इसको, जैसे मैंने किया वैसे ही करिए, फिर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ही तरीका सीखते हैं, बढ़िया तरीका सीखते हैं, उसी से क्या है सारा सम्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। यहां तक क्लियर है, पक्का बोलिए हाँ। इसको हटाएं, ठीक है, इसको हटा दें। अच्छा सुनो मेरा बात ध्यान से, 1 प्लस 0.10 इंटू इक्वल्स टू, ये करने से मेरा इसका स्क्वायर आ गया। मेरा कैलकुलेटर वाला क्लास बहुत दिन से बोल रहे देखने के लिए, ठीक है। स्क्वायर निकालने के लिए एक कम बार इक्वल्स टू प्रेस करना पड़ता, मान लो क्यूब होता तो यहां पर 2 बार इक्वल्स टू प्रेस करना पड़ता, 4 होता तो 3 बार इक्वल्स टू प्रेस करते, 5 होता तो 4 बार इक्वल्स टू प्रेस करते। जितना पावर में रहेगा उससे एक कम इक्वल्स टू, जितना पावर में रहेगा उससे एक कम इक्वल्स टू, तो ये मेरा ब्रैकेटेड पोर्शन आ गया इनटू 10,000 इक्वल्स टू। आपको आंसर मिल जाएगा अमाउंट का, आपको आंसर मिल जाएगा 1 प्लस 0.1 इनटू इक्वल्स टू इनटू 10,000, कितना हुआ 12,100, ठीक है। अगर अमाउंट निकालने बोलेगा तो यही अप्रोच फॉलो करना है, यही मान लीजिए अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोलता तो हम लोग यही करते, 1 प्लस 0.10 इंटू इक्वल्स टू माइनस 1, क्योंकि यहां तक मेरे को क्या मिल रहा है 1 प्लस i टू द पावर n मिल गया, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर माइनस 1 है, तो ये वाला स्टेप करने का मेरे को क्या मिल गया 1 प्लस 0.10 माइनस 1, इसके बाद इंटू प्रिंसिपल, देख लो यही आएगा, देख लो यही आएगा, क्लियर है, क्लियर है हाँ या ना, कोई घबराने वाला बात नहीं था, आराम से सोचो, क्लियर है। पक्का आगे बढ़े। सर 2 साल था, ठीक है, अगर मान लीजिए सेमी एनुअली बोलता, क्या बोलता सेमी एनुअली बोलता तो क्या करते, क्या करते, कुछ नहीं करते, 10,000 लिखते, 1 प्लस i/2 पावर में 2 इंटू 2, और यहां क्या करते सेम, बस खाली अंदर में क्या जोड़ देते एक ठो माइनस 1, कॉपी कर लीजिए, सेमी एनुअली बोला है तो 2n यूज होगा, सेमी एनुअली बोला है तो क्या यूज होगा 2n, सेमी एनुअली बोला है तो क्या यूज होगा 2n,
सेमी एनुअली बोला है तो क्या यूज होगा, 2N, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10,000 वन प्लस 0.05 पावर में 4, और इसको क्या लिख सकते हैं, 10,000 वन प्लस 0.05 पावर में 4 माइनस 1, हाँ या ना लिख सकते हैं। हाँ, तो 1 प्लस 0.05 इंटू 3 बार इक्वल्स टू, दिस इज गिविंग मी द आंसर फॉर दिस। उसके बाद मेरे को 10,000 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, दिस इज गिविंग यू दिस माइनस 1 इंटू 10,000, कितना आ रहा है, 12155, दो डेसिमल प्लेस से आंसर निकालें, 0.06। तो ये क्या हो जाएगा, 2155.06। हम लोग दो डेसिमल प्लेस से आंसर निकालेंगे। अच्छा एक चीज ध्यान देना, मैं आपको दोनों का टेक्निक क्यों बता रहा हूँ, या तो एग्जाम में ये पूछेगा या वो पूछेगा, या तो ये पूछेगा तो वो पूछेगा, बट मेरा बोलने का मतलब क्या था, मेरा बोलने का मतलब ये था, अगर मान लो एग्जाम में दोनों पूछ दिया तो कोई भी एक निकाल लेना, दूसरा वाला तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मान लो फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो अमाउंट निकाल लिए, अमाउंट का आंसर लिख लो या जो भी है मार्क कर लो, हाथों हाथ क्या आ जाएगा, माइनस कर देंगे प्रिंसिपल से तो क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सेमी एनुअली क्लियर है, कभी भूलेंगे नहीं आप। नेक्स्ट इज क्वार्टरली, चलिए क्वार्टरली का फॉर्मूला बनाइए, मैं 30 सेकेंड्स बाद लिखूंगा, देखना। क्वार्टरली का फॉर्मूला बनाइए, फॉर्मूला के बाद एक जो स्टेप मैंने और किया था वो भी आप करेंगे। देखिए तो फर्स्ट स्टेप आपका राइट हुआ है, हाँ फर्स्ट स्टेप आपका राइट हुआ है, और सेकंड स्टेप में आपने क्या लिखा होगा, करेक्ट यही लिखा होगा आप लोगों ने। यहां तक तो सब कुछ क्लियर हो गया, पक्का आगे बढ़े एक बार। अब इसका कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, 1 प्लस 0.025 इंटू 7 बार इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 10,000, आपका आंसर आ गया 1 1 ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस 0.025 इंटू माइनस 1 इंटू 10,000
equals to 2184.03. आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे जैसे नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इन अ ईयर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट पर एनम बढ़ रहा है, ऑब्वियसली वो तो बढ़ेगा ही क्योंकि एनुअल कंपाउंडिंग में प्रिंसिपल में इंटरेस्ट एक बार ही जुड़ रहा है, लेकिन हाफ ईयरली में दो बार ऐसा हो रहा है, तो सेकेंड टाइम जो इंटरेस्ट निकल रहा है वो पहले वाला इंटरेस्ट के ऊपर भी निकल रहा है, तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ कंपाउंडिंग जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट में फायदा होगा। बैंक क्या करता है, डेली कंपाउंडिंग करता है, बैंक क्या करता है, डेली कंपाउंडिंग करता है, बैंक साल में एक बार कंपाउंडिंग नहीं करता है, बैंक जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है उसके ऊपर क्या करता है, डेली कंपाउंडिंग करता है। ठीक है, यहां तक का क्लियर है आपको? इसका और कोई प्रोसेस, क्योंकि देखिए सर इसके बाद अगर आप मंथली करने जाओगे तो उसमें 24 रहेगा, तो क्या इक्वल सुप्रेस करते रहेंगे क्या, काम नहीं हमारे पास, तो इसका और एक छोटा टेक्निक है। क्या टेक्निक है देखो मैं सिखाता हूं, अगर आपको 4 to the power 5 बोला है तो आप क्या करोगे, 4 into कितना बार इक्वल्स टू 4 बार है ना। अगर आपको 4 to the power 10 बोलेगा तब आप क्या करोगे, 4 को पावर में 5 into 2 लिख सकते हो। हाँ, अब क्या करना है ध्यान से देखना, पहले सोचो सिर्फ 4 to the power 5 है तब क्या करोगे, 4 into 4 बार into 1 बार, मतलब पहला पावर क्या है, 5 है ना, पहला पावर 5 है तो इंटू 4 बार, दूसरा पावर क्या है, 2 है इसलिए इंटू 1 बार। यही मान लो अगर 8 to the power 5 into 6 into 3 होता तब कैसे करते आप, a into कितना बार, 4 बार into 5 बार into 2 बार, जितना पावर रहेगा उससे एक कम, और जितना बार मल्टीप्लीकेशन में रहेगा उतना बार वही प्रोसेस फॉलो करना है। कॉपी दिस, इंटू 4 बार इंटू 5 बार इंटू 2 बार, और यहां पर इंटू 4 बार इंटू 2 बार। क्लियर है? हाँ बोलिए ना। हाँ फोर्स कर रहे हैं क्या आप बोलने के लिए, इसको हटाएं। चलिए मिटा रहे इसको। अब देखिएगा एकदम ध्यान से, मंथली 10,000 1 प्लस 0.10 बाई 12 पावर में 2 into 12 है ना, तो आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में 10,000 गलती से भी डिवाइड मत कर दी, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ऊपर वाले को छोटा करके 2 into 4 into 3 लिख सकते हैं है ना। अभी तक तुम लोग क्या कर रहे थे, 0.10 by 2 इजी था, 0.05 लिख दे रहे थे, 0.025, लेकिन बाय 12 में फिर वो डेसिमल का लफड़ा हो जाएगा, तो इससे अच्छा क्या इसको एज इट इज रहने दो, खाली पावर को सिंप्लीफिकेशन में ब्रेक कर लो। अब देखो बॉड मास, पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर भी बॉड मास, पहले डिवीजन 0.10 divided by 12 प्लस 1, 0.10 divided by 12 प्लस 1 into equals to, ये मेरा आ गया ब्रैकेट वाला पोर्शन, मल्टीप्लाई बाय 10,000 इक्वल्स टू, आंसर आ जाएगा आपका। ये मंथली का अमाउंट निकालना सिखाया आपको।
कितना आ रहा देख लो, 12203. कैलकुलेशन फिर से ट्राई करिए, 0.10 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1 इनटू इक्वल्स टू क्यू की पावर में 2 है, ये पावर में 2 है इसीलिए, ये पावर में 4 है इसीलिए, पावर में 3 है इसीलिए. देख सकते हैं अब जितना पावर में है उसे एक कम बार इक्वल्स टू प्रेस किया जा रहा है, जितना पावर में है उससे एक कम बार इक्वल्स टू प्रेस किया जा रहा है. ठीक है, ये मंथली का अमाउंट हो गया. चलिए बनाइए मंथली का कंपाउंड इंटरेस्ट. मंथली का कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 0.10 बाय 12, 2 इंटू 12 माइनस 1. अब नेक्स्ट स्टेप में 10,000 1 प्लस 0.10 बाय 12 पावर को ब्रेक करेंगे, फिर कैलकुलेशन में क्या आएगा, 0.10 डिवाइड बाय 12 इंटू इक्वल्स टू सॉरी प्लस 1 के बाद इंटू इक्वल्स टू इंटू 3 बार इक्वल्स टू इंटू 2 बार इक्वल्स टू, ये करने के बाद माइनस 1. कितना आ रहा है, 2203.91. 2203.91. ठीक है, लग रहा होगा तब से खाली हाफ बॉल ही प्रैक्टिस करा रहे हैं. बाउंसर भी दीजिए, इन स्विंगर आउट स्विंगर भी दीजिए, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो. बेस जितना अच्छा से प्रैक्टिस करोगे देखोगे आप फ्यूचर में दिक्कत ही नहीं आएगा. क्लियर है? हाँ पक्का क्लियर है. तो आपको हम दो चीज सिखाएंगे, लॉग का वैल्यू कैलकुलेटर में कैसे निकालते हैं और एंटी लॉग का वैल्यू कैलकुलेटर में कैसे निकालते हैं. जिस बच्चे को ये आ गया है ना, ठीक है, वो बच्चा देखो लाइफ में कितना आगे जाता है. लॉग ए बेस 10 को कैलकुलेटर में कैसे निकालते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास, पता ही होगा आप लोगों को. कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जाएंगे, कहाँ सिखा रहा है हम लोग को, तो इतना गलत तो हम भी नहीं है. चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, नेट क्वालिफाई सब किए हुए हैं, क्यों सिखा रहे, इसका रेलिवेंस है, इसको ध्यान से सुनिए. लॉग ए बेस 10 कैसे निकालते हैं, ए को स्क्वायर रूट करना होगा 12 बार, मतलब स्क्वायर रूट का बटन टीपना होगा 12 बार आपको, उसके बाद माइनस 1 इंटू 1779 इक्वल्स टू जो वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, जो वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा. हम लोग अप टू 4 डेसिमल प्लेस लिखते हैं, अप टू 4 डेसिमल प्लेस लेंगे, अप टू 4 डेसिमल प्लेस लेंगे, अप टू 4 डेसिमल प्लेस लेंगे. ठीक है, तो बचपन में अगर कोई लॉग पढ़ा होगा तो लॉग 2 बेस 10 का वैल्यू पता है क्या होता है, 0.3010 होता है. चलो कैलकुलेटर में ट्राई करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है. 2 को स्क्वायर रूट करो 12 बार, माइनस 1 इंटू 1779 इक्वल्स टू 2 को स्क्वायर रूट करो 12 बार, माइनस 1 इंटू 1779 इक्वल्स टू, आ रहा है ना, मतलब हम झूठ नहीं बोलते. चल एक और, लॉग 10 बेस 10 1 होता है, चलिए करके देखिए. 10 को 12 बार स्क्वायर रूट, माइनस 1 इंटू 1779 इक्वल्स टू, 10 को 12 बार स्क्वायर रूट, माइनस 1 इंटू 1779 इक्वल्स टू. आ रहा है ना पक्का, अप्रोक्सीमेटली 0.999 कुछ आ रहा था, 1.000 कुछ आ रहा होगा, तो वो 1 ही हो जाएगा. ठीक है,
तो लॉक कैसे निकालते हैं आप लोग सीख लिए? अब बोलिए ना भैया, सीख लिए हैं, एक बार बोलिए ना। अब एंटी लॉग ए विथ रेस्पेक्ट टू बेस 10, तो ए को डिवाइड करना है 1779 से प्लस 1 इनटू इक्वल्स टू कितना बार? 12 टाइम्स। इनटू इक्वल्स टू कितना बार? 12 टाइम्स। ए को डिवाइड करना है 1779 में प्लस 1 इनटू इक्वल्स टू कितना बार करना है? 12 टाइम्स। देखिए एंटी लॉग 0.3010, 2 आना चाहिए, क्यों? लॉग 2 का वैल्यू क्या था? 0.3010। चलिए अब 0.3010 का एंटी लॉग निकालिए, देखिए 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सुनो मेरा बात ध्यान से, इसके पहले जो सीखा था उसमें इनटू एक बार था, फिर इक्वल्स टू था, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बेबी डॉल मतलब एक बार इनटू, फिर एक बार इक्वल्स टू, एक बार इनटू, फिर एक बार इक्वल्स टू, ठीक है ना? चलिए करिए, 0.3010 डिवाइडेड बाई 1779 प्लस 1, फिर इनटू इक्वल्स टू कितना बार करेंगे आप लोग? और आंसर क्या आएगा आपका? एग्जैक्टली 2 आ रहा है, 1.99999 मतलब क्या? 2। क्लियर है? बोलिए हाँ। वेरी गुड, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, अगर a का पावर में हाफ है, इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ a। तो आप कैलकुलेटर में क्या करते हो? ए के बाद स्क्वायर रूट प्रेस करते हो, आंसर आ जाता है, करेक्ट। ए के पावर में अगर 1/4 है तो क्या करते हो? स्क्वायर रूट ऑफ ए, मतलब ए के बाद आप स्क्वायर रूट दबाते हो, वापस से स्क्वायर रूट दबाते हो, तो आपको आंसर आ जाता है। हाँ, कुछ होशियार बच्चे कलकत्ता में ऐसे हैं या इसके बाहर भी होंगे, क्योंकि मेरे को ज़्यादा आइडिया कलकत्ता का है, ठीक है। 8^1/6 ना जाने किनके ख्वाबों में खोए रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इसको 3 बार रूट करना होगा और आंसर आ जाएगा, जबकि गलत है ये। हाफ इंटू हाफ क्या होता है बेटा? 1/8 होता है। तो 8^2 के बाद अगर आपका 8^1/4 में 2 बार स्क्वायर रूट हो रहा है, तो 8^2 नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 1/8। इसमें कितना बार होगा? 3 बार। 1/8 के बाद क्या आएगा? 1/16, ठीक है, फिर 1/32। क्लियर कर लो ये चीज। हाँ, तो अब मेरे मन में ख्याल आया। क्या ख्याल आया पूछो तो? क्या ख्याल आया आपके मन में? मेरे मन में एक ख्याल ये आया कि भैया 2 का 4 का 8 का मतलब 1/2, 1/4, 1/8 का तो हम बता दिए, ठीक है सर। अगर 1/3 रहा तो क्या करेंगे? आई स्टार्टेड फीलिंग लोनली विद दिस पीपल। ये लोग तन्हा महसूस करने लगे कि खाली हाफ 1/4 2 का मल्टीपल, मतलब 2 का जो डबल हो जाता है उसी से प्यार है आपको, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7 से प्यार नहीं है। हम बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे पास तो ऐसा टेक्निक है कि 1/n होगा, कुछ भी होगा n का वैल्यू हम निकाल के दिखाएंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। a को स्क्वायर रूट करना है 12 बार, कितना बार करना है? 12 बार। माइनस 1 डिवाइडेड बाई n करना है, उसके बाद प्लस 1 क्या करना है? प्लस 1, उसके बाद क्या करना है? बेबी डॉल कितना बार? 12 टाइम्स। सुनो मेरा ध्यान से, सुनो पहले भरोसा दिलाएंगे आपको, पहले भरोसा दिलाएंगे, ठीक है। मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, ठीक है। अच्छा बताओ, 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2 होता है, सबको पता है। चलो मेरा प्रोसेस से चेक करके देखो तो 2 आ रहा है क्या? 8 को 12 बार स्क्वायर रूट करो, माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 3, प्लस 1, उसके बाद कितना बार? देखो तो क्या आ रहा है, हो गया आंसर, आ गया।
वाह, क्या पढ़ाता है, वाह। आगे आंसर। तुम तो ऐसा बात कर दिया, दुनिया हसीनों का मेला, फिर भी क्यों रहा मैं अकेला। सबका आ गया, आपका क्यों नहीं आया? आप ट्राई करिए, करी करिए। आ गया होगा, आ गया होगा। ठीक है, चलिए। तो ये सब कुछ टेक्निक्स था, इसके आगे हम लोग को सम्स करने के लिए लगेगा। देखिए, हम लोग क्या लिखते हैं, ए इक्वल्स टू पी, वन प्लस आई टू द पावर एन लिखते हैं। हाँ, अगर हम यहां लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा? ये लॉग ए इज इक्वल्स टू लॉग पी प्लस लॉग वन प्लस आई टू द पावर एन, क्योंकि यहां पर इनटू है ना, तो लॉग में इनटू होने से वो प्लस हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपका? हाँ। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, लॉग ए माइनस लॉग पी इक्वल्स टू एन लॉग वन प्लस आई, जो पावर में रहता है वो सामने आ जाता है, जो पावर में रहता है वो सामने आ जाता है, जो पावर में रहता है वो सामने आ जाता है। अब देखिए, इनटू होने से प्लस हो जाता है, तो माइनस होने से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो लॉग ए बाई पी होल डिवाइडेड बाई लॉग वन प्लस आई इक्वल्स टू एन, लॉग ए बाई पी होल डिवाइडेड बाई लॉग वन प्लस आई इक्वल्स टू एन। इसका मतलब नंबर ऑफ इयर्स निकालने का शॉर्टकट, महा शॉर्टकट। महाकाल का पूजा करने के बाद पूरे सावन महीना में जब मैं व्रत करता हूं, तब मुझे ये फॉर्मूला दिमाग में आया। तो ये किसी, समझिए, एकदम नेचुरल एनर्जी से ये फॉर्मूला आया है कि एन का मतलब क्या हो गया, लॉग ऑफ ए बाई पी बाई लॉग वन प्लस आई। इससे बड़ा शॉर्टकट नहीं है अगर आपको निकालना है। देखिए, अगर आप अंतर्यामी है, चार ऑप्शन दिया हुआ, इंकी पिंकी पोंग की, फादर हैज माई, ठीक है, तो बात अलग है। बट अगर आप नेचुरल प्रोसेस का बात करेंगे, अगर आप नेचुरल प्रोसेस का बात करेंगे, तो यही आपको शॉर्टकट अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं ये प्रोसेस, अगर आपको कॉपी करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एन का फॉर्मूला क्या हो गया, लॉग ए बाई पी बाई लॉग वन प्लस आई, लॉग ए बाई पी बाई लॉग वन प्लस आई, लॉग ए बाई पी बाई लॉग वन प्लस आई। ठीक है, तो आपको ए पता रहेगा, पी पता रहेगा, तो आप उसका ऊपर से लॉग का फॉर्मूला यूज करके ऊपर वाला निकाल लेंगे, फिर आप लॉग का फॉर्मूला यूज करके डिनोमिनेटर निकाल लेंगे, अल्टीमेटली आपका एन का आंसर आ गया। ठीक है सर, अगर हाफ ईयरली रहा तो ये 2n हो जाएगा और अंदर में 1 प्लस आई बाई 2, क्वार्टरली रहा तो 4n अंदर में आई बाई 4, मंथली रहा तो 12 अंदर में आई बाई 12, क्लियर। अल्टीमेटली आपका आंसर जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है आपको? चलिए चलो फटाफट कर लो। तो ये वाला तीनों एग्जाम्पल, इसका मंथली का भी निकाल के दिखाना मेरे को, मंथली का भी निकाल के दिखाना। अभी सिखाया मैंने आपको, मैंने बस खाली रेट चेंज किया, बस प्रिंसिपल 10,000, रेट 8% एंड 2 ईयर्स, खाली अमाउंट ही निकालना है आपको। मंथली भी निकाल लोगे, 10,000 वन प्लस 0.08 बाई 12 होल टू द पावर 2 इंटू 12। बताइए आंसर सब सही है कि गलत है?
सही है कि पहले वाला का आंसर? चलिए पहला वाला सही है। दूसरा वाला का आंसर सही है। तीसरा वाला सही होगा। आपको सिर्फ मंथली का आंसर बताना है मेरे को। वन वन हाँ वन वन सेवन टू एट पॉइंट एट सेवन। ठीक है चलिए एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको अपने बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप खुद सोचो, आपको बोला गया 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो आपको क्या एक साल में 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए ही इंटरेस्ट मिलेगा या 10 रुपए से ज्यादा मिलेगा? ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगा, क्योंकि 10 रुपया तो इंटरेस्ट था जब पूरा साल में एक बार कंपाउंडिंग हो रहा था। यहां पर कंपाउंडिंग क्या है? क्वार्टरली। तो जब भी कंपाउंडिंग इज डन अदर देन एनुअली, जब भी कंपाउंडिंग इज डन अदर देन एनुअल कंपाउंडिंग, माई नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें बात हुआ है, एंड माई इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो जैसे मान लो बोला है यहाँ पर 10% पर एनम एक साल इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देख सकते हो पहला हाफ ईयर में 5 रुपये इंटरेस्ट मिला, लेकिन नेक्स्ट हाफ ईयर में क्या मिल रहा है? 5 रुपये 25 पैसा। तो ओवरऑल एक साल में मिलना कितना चाहिए था? 10 रुपया, बट मिला कितना? 10 रुपया 25 पैसा। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 10.25%। तो व्हाट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड अदर देन एनुअली। ठीक है, व्हाट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड अदर देन एनुअली। एंड जो गिवन रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा तो क्या निकालने बोलेगा? क्या निकालने बोलेगा? और अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा तो क्या निकालने बोलेगा? ठीक है चलो देख लो इसको अच्छे से। करेक्शन है ये, 1+i/k होगा। k मतलब नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग डन इन अ ईयर। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है 1+i/k होल टू द पावर k माइनस 1 × 100। k का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग डन इन अ ईयर। जो गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं अपने। एग्जाम्पल भी लिया मैंने हाफ ईयरली 3% का। तो आप एग्जाम में क्या करोगे? 0.03 / 2 + 1 = -1 × 100। कैलकुलेशन टेक्निक तो मैंने बता ही दिया है। अगर इस क्वेश्चन को मेरे को डायरेक्टली आंसर निकालना था मैं कैसे निकालता? 0.03 / 2 + 1 = -1 × 100 आंसर आ जाएगा।
आंसर आ जाएगा। चलिए 7% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली निकालिए, 7% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, 7% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, 7% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो फॉर्मूला क्या बैठाएंगे, 1 + 0.07/4 पावर में 4 - 1 होल इन 200, यही फॉर्मूला बैठेगा। और कैलकुलेशन टेक्निक क्या होगा, 0.07 / 4 + 1 × 3 = -1 × 100 = कितना आ रहा है, 2 डेसिमल प्लेस से बोलो, 7.19%, 185 बोल रही हो ना तो 19 हो जाएगा वो, 7.19% पर एनम। ये मेरा ई आ गया, दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है, दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए डेप्रिसिएशन, सेम चीज है बस खाली प्लस की जगह क्या करना है, माइनस यूज करना है अपने को। डेप्रिसिएशन मतलब अकाउंट्स वाला ही है, फॉर्मूला क्या है, S = C ब्रैकेट में 1 - i whole to the power n, S = C ब्रैकेट में 1 - i, कि 1 - क्यों यूज करें, बिकॉज वैल्यू डेप्रिशिएट कर रहा है, इसको अपनों WDV मेथड बोलते हैं, WDV मेथड बोलते हैं हम लोग इसको, क्योंकि SLM मेथड में तो डेप्रिशिएशन का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, WDV मेथड। Depreciation is depreciated at the beginning value, not at the cost of the asset. S का मतलब हो गया scrap value, C का मतलब हो गया cost of the asset, I का मतलब हो गया rate of depreciation by 100, और N का मतलब हो गया effective life, number of years. इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या हो जाएगा, 1 - 0.15 × 4 = 1 - 0.15 × 4 = 10 lakh = देखिए सेम आंसर आएगा।
डन, ये हो गया। हाँ चलिए देखिए, फ्यू शॉर्टकट ट्रिक्स एंड निकालने का मैंने बताया था आपको, फिर भी लिख लो। फ्यू शॉर्टकट ट्रिक्स, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब अमाउंट का सब में आता है तो ए बाई पी बाई लॉग वन प्लस आई, और अगर डेप्रिसिएशन में अगर निकालने बोलेगा नंबर ऑफ इयर्स तो लॉग एस बाई सी बाई लॉग वन माइनस आई। एन इज इक्वल्स टू लॉग ए बाई पी बाई लॉग वन प्लस आई, एन इज इक्वल टू लॉग ए बाई पी बाई लॉग वन प्लस आई और लॉग एस बाई सी प्लस लॉग ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, इफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेस बाई 3% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर देन द टाइम दैट विल बी टेकन टू हैव टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 30%। मतलब अगर मान लो मेरा पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एक्स है तो एंड ऑफ द ईयर में क्या होगा, 1.3x? नहीं, वो नहीं पूछ रहा हमसे। क्या पूछ रहा है, स्टार्टिंग में एक्स है और एक डेफिनेट पीरियड के बाद में वो क्या बन जा रहा है, 1.3x। तो आप ऐसे एक टाइमलाइन बनाओगे पहले, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट में x हो रहा है, एंडिंग पॉइंट में 1.3x हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे छोटा छोटा ऐसे लाइन बना दोगे। हर साल प्लस कितना हो रहा है, 3%, प्लस कितना हो रहा है, 3%, हर साल प्लस कितना हो रहा है, 3%, ठीक है। हमको यही जानना है कि कितना साल लगेगा, तो लेट द प्रिंसिपल बी x, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 1.3x। लेट द प्रिंसिपल बी x, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 1.3x। सर कैसे आ रहा है, x प्लस 30% ऑफ x। क्वेश्चन के बाद ये टाइमलाइन बना लीजिए पहले, आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे आप, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेस बाय 3% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर देन द टाइम दैट विल बी टेकन टू हैव टोटल इंक्रीज ऑफ 30% पॉपुलेशन इज, पहले ये टाइमलाइन बनाएंगे आप, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, उसके बाद आप लिखेंगे लेट द प्रिंसिपल बी एक्स, लेट द पॉपुलेशन बी एक्स, तो पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ एन ईयर्स क्या हो जाएगा, x प्लस 30% ऑफ x, विच कम्स टू 1.3x, ठीक है, ऑफ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर एनम 3% और 0.03, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर एनम 3% और 0.03, देख सकते हैं, मैंने बगल में ट्रिक वगैरह सब लिख दिया है, आप बस वेरीफाई कर लो वैल्यू सब ओके है ना, आंसर सब ओके है कि नहीं है। बोलिए,
क्लियर है? एनीवन हैविंग एनी डाउट? याशिका क्लियर है? सिद्धार्थ आगे बढ़े। नेक्स्ट ट्रिक नंबर टू, प्रिंसिपल गेट्स डबल्ड इन 72 बाय आर इयर्स इफ इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। प्रिंसिपल गेट्स डबल्ड इन 72 बाय आर इयर्स इफ इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, मतलब अमाउंट गेट्स डबल्ड इन दिस ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप क्या करने जाओगे? आर निकालने का कोशिश करने जाओगे। ठीक है, वैसे तो हम लोग आर निकालना आता है और एन निकालना भी आता है हम लोग को, लेकिन देर इज अ टेक्निक 72 बाय आर ईयर्स एंड इसको हम लोग ने वेरीफाई भी कर लिया है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है, इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी गेट्स डबल्ड। वर्ड क्या बोला है? डबल्ड एट 8% पर एनम सीआई। जब कुछ नहीं बोलता है मतलब एनुअल कंपाउंडिंग, तो हम लोग ट्रिक लगा करके एन का आंसर निकाल लिया, 9 ईयर्स। मैक्सिमम इट विल टेक 20 सेकेंड्स इंक्लूडिंग क्वेश्चन टाइम, मैक्सिमम 20 सेकेंड लगेगा आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ठीक है, लेकिन मेरे को डाउट हो रहा था ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है, ये टेक्निक सही है कि नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसको अपने तरीके से वेरीफाई करने का भी कोशिश किया। आप भी कर लो, एकदम एग्जैक्ट नहीं आएगा बट अप्रोक्सीमेटली इट विल गिव यू द सेम आंसर। एकदम एग्जैक्ट नहीं आएगा बट अप्रोक्सीमेटली इट विल गिव यू द सेम आंसर। इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी गेट्स डबल्ड एट 8% पर एनम सीआई। तो ट्रिक के हिसाब से तो एन इक्वल्स टू 72 बाय आर। ट्रिक के हिसाब से तो एन इक्वल्स टू क्या? 72 बाय आर। आर दिया एन निकल जाएगा, और एन निकालने का एक और टाइम भी, एक और फॉर्मूला भी पता है हम लोग को, ट्रिक लॉग ए बाई पी बाई लॉग 1 प्लस आई, उससे भी वेरीफाई कर लो, मोटा मोटी सेम ही आएगा। ये भी अच्छा टेक्निक है, ठीक है, बट अगर एग्जाम में टाइम बचे तो मैं बोलूंगा दिस इज द बेस्ट मेथड टू गो फॉर। सिर्फ एनुअली के लिए। तो डबल का टेक्निक क्या है? 72 बाई आर। ठीक है, क्लियर। तो डबल का टेक्निक क्या है? 72 बाई आर। वैसे ट्रिपल का भी टेक्निक है 114 बाई आर। वैसे ही ट्रिपल का भी टेक्निक है 114 बाई आर। वैसे ही ट्रिपल का भी टेक्निक 114 बाई आर। डबल के लिए 72 बाई आर होता है, ट्रिपल के लिए एन इक्वल्स टू 114 बाई आर। ट्रिपल के लिए एन इक्वल्स टू 114 बाई आर। ट्रिपल के लिए एन इक्वल्स टू 114 बाई आर। डबल के लिए क्या होता है? 72 बाई आर ईयर्स, और ट्रिपल के लिए क्या है? 114 बाई आर। ठीक है, आगे बढ़े। फोर्थ, 2 साल का डिफरेंस पूछेगा, ये जितना भी टेक्निक मैं सिखा रहा हूं सब एनुअल कंपाउंडिंग के लिए। 2 साल का अगर डिफरेंस पूछेगा तो पी इंटू वाई स्क्वायर, 3 साल का पूछेगा तो पी इंटू वाई स्क्वायर इंटू 3 प्लस आई। If difference between CI and SI for 2 years is asked for 2 years, it will be P into Y square. और 3 years के लिए पूछेगा तो P into Y square into 3 plus I. Difference between SI and CI. Difference between SI and CI. For 2 years अगर बोलेगा तो P into Y square.
एंड फॉर 3 ईयर्स अगर बोलेगा टू पी इंटू वाई स्क्वायर इंटू 3+i, पी इंटू वाई स्क्वायर इंटू 3+i, दोनों का एग्जाम्पल भी आप कर लीजिए प्लीज. ये सब एनुअल कंपाउंडिंग, अगर हाफ ईयरली बोल देगा तो दोनों का सिंपल है, दोनों का इंटरेस्ट निकाल के फिर माइनस करना. अगर हाफ ईयरली क्वार्टरली या मंथली बोल दिया तो दोनों का इंटरेस्ट निकाल के फिर माइनस करेंगे हम लोग, दोनों का इंटरेस्ट निकाल के फिर माइनस करेंगे हम लोग. दोनों का इंटरेस्ट निकाल के फिर माइनस करेंगे हम लोग. बोलिए क्लियर है यहां तक? एग्जाम्पल देख लिया आपने, पहला वाला में 2400 एट द रेट 5% बोला है, तो या तो फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ता 2 साल का एंड सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ता 2 साल का, फिर डिफरेंस निकालना पड़ता. यहां आपको क्या करना पड़ेगा, खाली एक शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए पी इंटू वाई स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा पी इंटू वाई स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा. और यहाँ पे p इंटू वाई स्क्वायर इंटू 3+i, यहां तक कोई भी दिक्कत आपको? हाँ लास्ट टेक्निक है शायद ये, नहीं अभी और भी है. रेशियो बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स, रेशियो बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स बोलेगा तो 1+R/200, रेशियो बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स बोलेगा तो 1+R/200, रेशियो बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स बोलेगा तो 1+R/200 या 200+R/200, रेशियो बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स बोलेगा तो 1+R/200, दैट इज 200+R/200. अगर आपको ये टेक्निक पता नहीं रहता तो आप क्या करते हैं, प्रिंसिपल को एक्स देते हैं, एक्स देके CI निकालते हैं, CI निकालने के बाद SI निकालते हैं, फिर आप रेशियो निकालते हैं. बट आपको अब टेक्निक पता है तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हो. ठीक है ना? हाँ पक्का. इसका खाली फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए, इक्वल इंस्टॉलमेंट अगर पूछेगा तो x का मतलब होता है वैल्यू ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट. P मतलब प्रिंसिपल, N का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, R का मतलब रेट और N का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स. P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट और N का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स. N का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई दिक्कत? चलिए
पहला वाला क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 6.23% पर एनम इज 6750. वॉट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड? तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? पी आर टी बाई 100. तो हम लोग क्या लिखेंगे? 6750 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी बाई 100. कुछ गलत लिखा मैंने? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100. 6.23 का मतलब 20/3 होता है. आई होप यू नो दिस. मिक्स फ्रैक्शन कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर इंटू वैल्यू प्लस न्यूमरेटर. तो 3 × 6 + 2 क्या होता है? 20/3. तो यहाँ पे 3 हो गया कैंसिल. तो ये क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू क्या? 6750 इंटू 100 बाई 20. सॉल्व करके P निकालो, सॉल्व करके P निकालो. कितना आ रहा है? रुपीज़ 33,750. ठीक है, जब भी मेरा बात ध्यान से सुनो, 20/3 करेंगे ना तो ये रेकरिंग डेसिमल आएगा. करके देखो एक बार कैलकुलेटर में. 20/3 करो, क्या आ रहा है? रेकरिंग डेसिमल आ रहा है ना. हाँ, तो रेकरिंग जब भी डेसिमल आएगा ना, आप फॉर्मूला में आर बाई 100 वाला चीज़ यूज़ कर लेना, तो आपका आंसर कभी डेसिमल से भी नहीं छूटेगा. वरना हम लोग क्या करेंगे? 20/3 करेंगे तो कितना आएगा? 6.67 लेंगे हम लोग. तो वो करने का दरकार नहीं, यही वाला फॉर्मूला पुट करना, आर बाई 100 वाला. उसके बाद फिर कैलकुलेशन टेक्निक हम बता दे रहे हैं आपको. पुट करिए, अमाउंट निकाल लीजिए. अमाउंट निकालने का दरकार क्या? आप सीधा यहाँ पे सीआई लिखिए. सीआई इक्वल्स टू 33,750 ब्रैकेट में 1 प्लस 20/300 होल क्यूब माइनस 1. स्टेप 1 सबको क्लियर है, प्रिंसिपल कैसे आया. स्टेप 2 कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना. तो यही वाला फॉर्मूला लिखिए. अब कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर निकालिए. इलस्ट्रेशन में कैलकुलेशन टेक्निक मेंशन नहीं है, वही मेंशन करना है आपको वहां पर. 20/300 प्लस 1 इंटू दो बार इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू 33,750 इक्वल्स टू. देखिए आंसर आया. 20/300 प्लस 1, 20/300 प्लस 1 इंटू दो बार इक्वल्स टू. क्यों? क्योंकि पावर में क्या है? 3 है. माइनस 1 इंटू 33,750 इक्वल्स टू. आंसर आया, पक्का बोलो, क्लियर है? इलस्ट्रेशन 1 दिमाग के अंदर गया. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 2. द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट एट 6% पर एनम फॉर 2 years इज 18. मतलब यहां पर डिफरेंस दिया हुआ है, तो पहले लिखो डिफरेंस इक्वल्स टू पी इंटू आई स्क्वायर. डिफरेंस इक्वल्स टू पी इंटू आई स्क्वायर. तो हम लोग क्या लिखेंगे? 18 इज इक्वल्स टू P इंटू 0.06 का स्क्वायर. अब 0.06 का स्क्वायर, ठीक है, कैलकुलेटर निकालो. 18 / 0.06 / 0.06 इक्वल्स टू, आंसर आ जाएगा. 18 / 0.06 / 0.06 आंसर आ जाएगा. कितना आ रहा है P का आंसर? सबका आया? देख लो भाई, 2 साल का डिफरेंस हम लोग को पता था P इंटू आई स्क्वायर होता है. यहाँ डिफरेंस पता और आई पता, P निकाल सकते हो. यहाँ डिफरेंस पता और आई पता, P निकाल सकते हो. जिसको नहीं समझ में आ रहा, पूरा लंबा मेथड करे करे, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमारा कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है. ये हम शॉर्ट पे बता दिया आपको इलस्ट्रेशन 2 कैसे करना है. डिफरेंस इक्वल्स टू P इंटू आई स्क्वायर. 18 इक्वल्स टू P इंटू 0.06 का स्क्वायर. फिर 18 / 0.06 / 0.06 इक्वल्स टू, आंसर आपका आ जाएगा. तो देखिए डिफरेंस कैसे निकालते हैं, वो हम इलस्ट्रेशन जब इसके पहले समझा रहे थे तब बता दिए. अब उसी फॉर्मूला को यूज करके प्रिंसिपल कैसे निकाल रहे वो बता देंगे. अब अगर मान लो डिफरेंस दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट निकाल लोगे आराम से.
है ना, इंटरेस्ट का जो रेट है वो। नंबर थ्री देखिए क्या बोल रहा है, अ सर्टेन सम अमाउंट टू इतना इन टू ईयर्स एट 8% पर एनम। ठीक है सर, यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ, प्रिंसिपल निकालना, यही तो हम लोग क्या लिखेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1+0.08 पावर में स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। अरे हाँ बोलो ना एक बार, यही लिखेगा। तो अब मेरा बात ध्यान से सुनना, ठीक है, 1+0.08 इंटू इक्वल्स टू किया तो ये क्या आ गया, ये वाला पार्ट का आंसर आ गया। ये वाला पार्ट को उधर लेके जाना मतलब क्या, रेसिप्रोकल करना, और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 72,900। आंसर आया तो 62,500। फिर से मैं समझा रहा हूं, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू समथिंग होता है, वो इंटू समथिंग निकाल के उधर ट्रांसफर करना है अपने को। उधर ट्रांसफर करने का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल, और कैलकुलेटर में रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, डिवाइड इक्वल्स टू प्रेस करके। कैलकुलेटर में रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, डिवाइड इक्वल्स टू प्रेस करके। तो अब डिवाइड इक्वल्स टू प्रेस करो, रेसिप्रोकल निकाल के मल्टीप्लाई करो, तो अमाउंट से आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पक्का देख लो भाई, वरना जिसको ऐसे करना है, हम तो बोले तो लॉन्ग मेथड तो हम दे ही दिए बुक में। बोलो क्लियर है, क्वेश्चन नंबर थ्री तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट, मैन 1,000 रुपया डिपॉजिट किया, उसको कितना मिला, 1,331, और बैंक कितना इंटरेस्ट दिया है, 10%। क्या निकालना है, नंबर ऑफ, क्या निकालना है, नंबर ऑफ, एन इज इक्वल्स टू लॉग ए बाई पी बाई लॉग 1+i। एक ही फॉर्मूला यूज करना है, हर घर भगवा छाएगा, एक ही नारा गाएगा, जय श्री राम जय श्री राम। हम बोल सकते थे ऑप्शन पुट करके ये कर लो, नहीं, मुझे उस 10,000 मूव से मतलब नहीं है जो आप एक एक बार प्रैक्टिस करोगे, मुझे उस एक मूव से मतलब है जो आप 10,000 बार प्रैक्टिस करोगे। मेरा इससे गलत नहीं आएगा आंसर, देख लेना, करके देख लो। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जा रहा है, n इज इक्वल टू लॉग 1.331 बाई लॉग 1.10, करके देख लो। क्या क्या वैल्यू आ रहा है 4 डेसिमल प्लेस तक, ऊपर में क्या आएगा, 0.1241 आ रहा है, श्योर हो, और नीचे 413 क्या है, 0.0414 हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 3 आएगा, करके देख लो। 2.999 कुछ आ रहा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है, एग्जाम्पल 4 तक क्लियर है, किसी को दिक्कत हो तो बोल लीजिए भाई, दिक्कत है क्या, नहीं है, पक्का। नेक्स्ट क्या बोला है, ओ अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, दोनों निकालना है, तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, अमाउंट 1+0.10 बाई 2, 1.5 years मतलब क्या होता है, 1.5 × 2, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 8,000, 1+0.05 पावर में क्या, 3। अब तो बाया हाथ का खेल हम लोग का, 1+0.05 into 8,000 equals to कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है वो -9,000। पहले उसका आंसर लिख लेना, पहले इसका आंसर लिख लो,
फिर आंसर लिखने के बाद माइनस 9000 इक्वल्स टू, फिर से आंसर लिख लेना। तो पहला वाला जो आंसर है उसको नाम क्या है, अमाउंट, और दूसरा वाला आंसर का क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी माइनस 8000, सॉरी। तो पहला वाला का आंसर क्या आ रहा है, 9261 एग्जैक्ट आ रहा है क्या, फिर माइनस कर देंगे 8000, तो 1261। क्लियर आपको? हाँ, चलिए नेक्स्ट वाला करिए। 12800 ब्रैकेट में क्या लिखाऊंगा, 1+0.075/2 पावर में क्या, 2, एक साल का मतलब 2। अब डायरेक्टली कैलकुलेटर चला दो, डायरेक्टली कैलकुलेटर चला दो, 0.075 divided by 2 plus 1 into equals to 12800 equals to कितना आ रहा है, 1377 माइनस 12800 978। आई थिंक आई हैव डन फेयर जस्टिस टू द चैप्टर। अब आपके ऊपर, आप इसको आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका इलस्ट्रेशन और जो पास्ट एग्जामिनेशन रिव्यू है, थोड़ा बहुत सम्स प्रैक्टिस करेंगे, तो हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट विल गेट ओवर।